सारे जो पांडाल जहाँ पर भी लगेंगे या जहाँ पर भी पूजा हो रही है उसमें सीसीटीवी कैमरा जो लगा के रखे हैं उनकी एटलीस्ट 15 डेज की स्टोरेज कैपेसिटी उसमें रखे हैं। सेकंड, उनके लिए बताया गया है कि वो एक प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स भी हायर करें टू इंश्योर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द डिवोटीज़ की, जो जहाँ आ रहे हैं उनको रेगुलेट करने के लिए, क्योंकि पुलिस प्रेजेंस रहेगी, पुलिस रेगुलेट भी करेगी। बट हो सकता है कि इतने बड़े अरेंजमेंट्स में पुलिस हर जगह नहीं पहुंच पाए, तो उनको अपने अपने सिक्योरिटी गार्ड्स एंड वॉलेंटियर्स रखने चाहिए टू क्राउड कंट्रोल एंड चैनलाइज द क्राउड। मेजर जितने भी हमने आइडेंटिफाई किए हैं, इस टोटल में से हमने नॉर्थ में 24 एंड साउथ में 27, अराउंड 51 हमने पुलिस की तरफ से आइडेंटिफाई किए हैं जो कि मेजर रहेंगे। वहाँ हम DFMD लगाएंगे, HHMD लगाएंगे, ताकि एंटी टेररिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पर हम लोग ध्यान रख सकें, और हमारा स्टाफ उसी तरह से सेंसिटाइज किया गया है और ट्रेंड किया गया है ताकि कोई भी ऐसी टेररिस्ट एक्टिविटी ना हो। और मैं आज मीडिया के माध्यम से लोगों को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो भी अलर्ट रहें, कहीं भी कोई ऐसा सस्पिशियस अगर आदमी दिखता है या कोई भी कहीं ऑब्जेक्ट दिखता है उनको, या लगता है कि ये कोई है जो कि अबनॉर्मल है, तो इमिजिएटली वो पुलिस को कन्फर्म इन्फॉर्म करें एंड विल रेस्पॉन्ड इमिडिएटली। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड और उनके स्टाफ को भी अलर्ट किया गया है और उनकी टीम्स डिवाइड की गई हैं ताकि हम एंटी टेररिस्ट एक्टिविटी में हम लोग मेजर अपना कंट्रीब्यूट कर सकें और ये ध्यान रख सकें कि कहीं भी कोई ऐसा आदमी या जो हमारे यहाँ सस्पेक्ट है उन पर नज़र रख सकें, ताकि ये पूरा प्रोग्राम और ये उत्सव आराम से मनाया जा सके। बीइंग ए गोवा एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन, हम लोग रूल आउट नहीं करते हैं कि यहाँ कभी कोई ऐसी टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं होगी, इसलिए हम लोग सेंसिटाइज भी हैं और हमारी तरफ से हमेशा प्रिपरेशन रहेगी इस बारे में।